पंजाब सरकार की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने दलितों से जुड़े एक मामले पर कदम उठाया है। पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है और सभी जगह उनके इस फैसले की निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पीसीएस जे जुडिशियल की परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को केवल 4 मौके देने का फैसला लागू किया है, जबकि इससे पहले तक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित उम्र सीमा तक अनलिमिटेड परीक्षा देने का नियम लागू था। एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण के नियम के आधार पर ही उन्हें कुछ सहूलियत दी गई थी, जो कि पंजाब सरकार को अब रास नहीं आ रही है। पंजाब सरकार ने केंद्रीय अनुसूचित आयोग और राज्य एससी आयोग को जानकारी दिए बिना ही पीसीएस जे में बदलाव किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के इस फैसले से राजनीति गर्मा गई है। पंजाब एकता पार्टी के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फैसला बदलने के लिए कहा है। सुखपाल सिंह खैरा ने पीसीएस जे जुडिशियल की परीक्षा के बारे में सरकार द्वारा लाए गए फैसले को एससी वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने गुपचुप तरीके से एससी वर्ग के लिए बनी नीतियों में बड़ा बदलाव कर दिया है। खैरा ने कहा, पूरा फैसला गैरकानूनी तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और पंजाब एससी कमीशन की सलाह के बिना किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(9) के अनुसार दलितों को प्रभावित करने वाले किसी भी बड़े बदलाव के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की सलाह लेना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ लिए गए उक्त फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 में बने पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज नियम में बदलाव करके इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत पीसीएस जे परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को केवल 4 मौके दिए जाएंगे। इसमें सभी समुदाय के अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि अभी तक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए असीमित बार परीक्षा में बैठने की छूट थी। गौरतलब है कि भारत में पंजाब में दलितों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राज्य में करीब 32% दलित समुदाय की आबादी बताई जाती है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले से दलित समुदाय में नाराजगी बढ़ सकती है। विपक्ष ने इसे लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।